नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। खबर है नैनीताल की, जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा आयुर्वेदिक व यूनानी विभाग के माध्यम से फ्रंटलाइन कोरोना वायरस नगर निगम के सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कर्मियों को जिलाधिकारी सविन बंसल ने कैंप कार्यालय में आयुष रक्षा किट वितरित किए गए। जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि आयुष रक्षा किट के औषधियों से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। श्री बंसल ने कहा कि आयुर्वेदिक यूनानी विभाग द्वारा जनपद में 1,00,000 आयुष रक्षा किट फ्रंटलाइन कोरोना वायरस सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा के साथ ही अन्य विभागीय कर्मचारियों को कोरोना में कार्य कर रहे हैं उन्हें वितरित किया जाएगा, ताकि वे स्वयं स्वस्थ रहकर कोरोना महामारी में कार्य कर सकें। जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर MS गुंज्याल ने बताया कि आयुष रक्षा किट रोग प्रतिरोधक औषधि का वितरण कोरोना वायरस को किया जा रहा है, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आयुष किट में अश्वगंधा वटी, संस्मनी वटी के साथ ही आयुष रक्षा क्वाथ में गिलोई, वसा, तुलसी, मधुयष्ठी, मारिच, पिपली, सौंठ औषधि मिक्स है, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी व कोरोना वायरस से बचाव होगा। उन्होंने बताया कि अभी 1500 किट विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिनका वितरण किया जा रहा है। 85,000 किट शीघ्र वितरण के लिए मिलने वाली है, जिनका वितरण कोरोना वायरस को किया जाएगा। इसमें जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और हमारे अन्य सुरक्षाकर्मी, प्रथम फेज में उन्हीं को हम इनसे सैचुरेट कर रहे हैं, और जो रिसर्च रिजल्ट्स हैं, स्टडीज़ हैं, उससे इनका परिणाम इम्यूनिटी को बूस्ट करने का है, और जिससे लॉन्ग टर्म हमारी जो वर्कफोर्स है वो सस्टेन करती रहे और अपने स्वास्थ्य का बचाव भी कर सके। सर, ऐसा कुछ बताया जाए। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।